हम लोग यहाँ पर उपस्थित, पहले तो मैं उनका आदरणीय सभी मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूंगी, शरण सर का, कटन सिन्हा सर का और बेशक नंद बिलाल साहब का, जो आज गोशामल कॉन्स्टेंसी के इंचार्ज हैं। किसी के लिए भी बोलना बहुत आसान होता है, करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो करके दिखाइए, फिर दूसरों के लिए बोलिए। मैं यही चाहूंगी कि भाई हम लोग ये जो बातें करते हैं इसमें क्या हासिल होता है, नेगेटिव बात करने से या किसी पार्टी को कैसे मजबूत करना है। अभी एक परिवार होता है, परिवार में 10 बच्चे होते हैं, परिवार होता है, हर कोई अलग अलग होता है, इससे परिवार छोड़ के तो नहीं चले जाते हैं, परिवार के विपरीत तो नहीं जाते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे परिवार पार्टी है, ये टीआरएस पार्टी परिवार है हमारे लिए, गोशामल की लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत सब होता रहता है, तो पार्टी को जिताने में क्यों पीछे हटते हो। एमएलए हमारा होगा तो राज हमारा होगा, लड़ाई बाद में कर लो, लड़ाई बाद में कर लो, लड़ लो बाद में, प्यार मोहब्बत होती है, परिवार है ये, जब तक उसे ये गद्दियों से कुछ हासिल नहीं होता है, ये हमारी सोच है, ये हमारे माँ बाप की सोच है, मुझे ये हासिल हुआ है। बस मैं ये कहना चाहूंगी अगर किसी को बुरा लगा तो माँ लीडर आरपी महेंद्र जी, अल्जामबाग इंचार्ज आई एम आनंद कुमार जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी छोटे बड़े सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही में हमारे केसीआर जी का जो हमारे लिए संदेश है उसे आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वेन्नंटू माकी अन्नी विधालुगा सहकरिंचिन मा श्रवणंगा కృతజ్ఞతలు। ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళన అనే సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం అందరం కూర్చొని అలా ఒక గెట్ టుగెదర్ గా ఈ మన కష్ట సుఖాలు తెలుసుకొని మన జనరీ అని జర్నీ అని నన్ను మన అసెంబ్లీ ఉండేటప్పుడు మన అరెస్ట్ చేసి మన కంట్రోల్ రూమ్ లో పెట్టారు నన్ను సదానంద శంకర్ ని। అప్పుడే సవాలని ఫోన్ చేసిన అన్నా ఫోన్ చేస్తే మాటమాటి అన్నాడు సదాంజన హైదరాబాద్ మమ్మల్ని ఎందుకు వచ్చిన వాళ్ళకి అని చెప్పి అన్నాడు। అంటే అన్నతో చాలా బాధ అన్నలు అక్కలు సమావేశానికి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మరియు పాత్రికేయులకు ఈ రోజు జాంబాగ్ డివిజన్ మీటింగ్ ఇంత ఒక కొద్ది టైంలోనే ఇంత పెద్దగా అంత కార్యకర్తలు వచ్చిన చాలా సంతోషంగా ఉంది। మనలో మనకి ఎటువంటి మనస్పర్ధలు ఉన్నా మన ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ఏమైనా మనస్పర్ధలు ఉంటే ఇట్లనే కూర్చొని అని క్లియర్ చేసుకుందారి। ఏదేమైనా గోష్మేల్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఈసారి తప్పకుండా టిఆర్ఎస్ జెండా మనము చేయాలని మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నా। स्वागत चारी या भोजन है हमारे पास सीनियर लीडर्स है श्रवण भाई उन सब को ध्यान में रखना। मीटिंग शुरू होने से पहले अपने अपने भाषण शुरू होने से पहले भाई साहब का सम्मान करेंगे। मैं हमारी बहनों से विनती करता हूँ भुकियो शाल से इनका लाइए सम्मान करेंगे। शांति देवी अक्का जो हमारे पार्टी की एक शान है, एक महिला होकर भी एक गुलाबी ड्रेस पहनकर फिर जोरदार सा तालियां मारता। और शांति देवी जी आप कहीं जानदार नहीं, कोई गोशामल विधानसभा में आपका सर्विस होना आप चेयर लेके सामने उनको चेयर का इंतजाम करना। सीधा भाई नहीं दीदी सामने वो चेयर
सिर झुक के सलाम करना चाहता हूँ और वेदिक किंद अंदर हृदयपूर्वक नमस्कार जाबाज जाबाज बियानस के सिपाहियों बहनों बुजुर्गों सबको मैं करते करते क्या करते अपने घर के बगल कोई दूध का धंधा या कोई इनका वस्तु गलती मन चप्पल लेके मारते या नहीं तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते। ये बीजेपी वाले ये काम नहीं कर रहे, जो गलती करते हैं उसके बगल में जाओ मामूल लो, गलती करो लोगों का जिंदगी को बर्बाद करो, ये है बीजेपी का सोच। आज गोशा महल के कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ दिल से मैं ये बात बोल बहुत तकलीफ हुआ था ये बात सुनने के बाद में। आप चलो बहुत बड़ी बात बोले, मुंह से राम बगल में चोरी, ऐसे राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की वक्त है, जिम्मेदारी अपने ऊपर है, सिर्फ कि बीआरएस को जिताने के लिए नहीं लोगों को जिताने की जिम्मेदारी है। बेगम बाजार इतनी बड़ी बड़ी बाजार है, बॉम्बे मार्केट इतनी बड़ी बाजार है, नाज होते हैं हम लोग ये बात ये नामा सुनते हैं। वहां पर जो ऐसे इन लोग ऐसी गंदी काम गंदी हरकत करते हैं, यहां पे ठहर के जैसे पूरा हिंदुस्तान में अगवाई फैलाने का लोगों का मजहब के नाम पे बांटने की जो कोशिश होती है इसको खत्म करने की जिम्मेदारी है। ये मेरी तरफ से आप सबको गुजारिश है। केसीआर साहब के बीआरएस के सदारत केसीआर साहब के आदेश के अनुसार गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को इंचार्ज जो है सो हमारे नंद व्यास बिलाल जी को डिक्लेयर किया गया है, उसके नेतृत्व में और उनके साथ हमारे डिवीजन के मुख्य लीडर जो आनंद कुमार गौड़ है, उन दोनों मिलकर जो है सो आज एक बड़ी पैमाने में जो है सो आज एक आत्मीय सम्मेलन जामबाग डिवीजन में ऑर्गेनाइज किया है। इसमें बहुत सारे महिलाएं और यूथ बहुत सारे कार्यकर्ता जो है सो यहाँ पे आए हैं एक अच्छी सोच के साथ विचार के साथ, किसी हाल में गोशा महल में आने वाले इलेक्शंस में बीआरएस को जिताना बीजेपी को हराना बोल के जो है सो एक संकल्प लेते हुए जो है सो आज एक मीटिंग हुआ है। और ख़ास तौर से आज बीजेपी खास तौर से जो है सो राजा सिंह राम नाम जप 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 करते हुए जो है सो एक राक्षस जैसा काम कर रहे हैं। जहां कहां भी जाओ बिल्डिंगों का कमीशन लो, जहां कहां भी जाओ गलती जो करते हैं उन लोगों के पास कमीशन लो, पूरा एक अगवा पहला के जो है सो पर्सनल इमेज बढ़ाते हुए जो है सो बीजेपी का इमेज बढ़ा के जो है सो लोगों में एक अशांति पैदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं, मजहब के नाम पे बंटवारा करने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ में बीजेपी के खिलाफ में बड़ी तरीके से जो है सो नंद कुमार जी के नंद व्यास जी के नेतृत्व में बहुत। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मनारा चोपड़ा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सिटी लाइट ई न्यूज। हाय, दिस इज रघु कुंचे, प्लीज सब्सक्राइब सिटी लाइट ई न्यूज। दिस इज अमरदीप चौधरी, प्लीज सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स ई न्यूज वॉच। हेलो एवरीवन, ना पेर ऊहा, अंदरू सब्सक्राइब चेयंडी सिटी लाइट्स, थैंक यू। हाय, दिस इज आदि पिनिसेटी, सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स ई न्यूज। అందరికీ నమస్కారం, నేను మినికి గల్రాణి, డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. అందరికీ నమస్కారం, నేను పాయల్ రాజ్పూత్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్, థాంక్ యూ. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. ఐ యామ్ సాన్వి మేఘ్నా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. దిస్ ఇస్ మానస్ నాగల్పల్లి, ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్. నేను విలారే సిటీ లైట్స్ ఈ న్యూస్ మీ మీ ముందుకు వచ్చేసింది, సో బి రెడీ ఫర్ న్యూ అప్డేట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. హై గాయ్స్, దిస్ ఇస్ కాజల్, డు సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. నేను మీ సెట్ సో మీ అందరిని సెట్ చేయడానికి సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్ అని ఎక్సైటింగ్ అప్డేట్స్ తో రావుతుంది, సో డు సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. నేను మీ విశ్వ, సబ్స్క్రైబ్ టు సిటీ లైట్ ఈ న్యూస్. Subscribe to City Light E-News. Marini videos for some, marini updates for some. Please subscribe to City Light E-News. Hi, this is Geeta Bhagat. Please subscribe City Light E-News.